ओम शांति। हम सबके बीच डॉक्टर सचिन भाई पहुंच गए हैं। एक हाथ की ताली से हम आपका स्वागत करेंगे। सभी का संकल्प था सचिन भाई कि आपका क्लास जो है हमें मिले, तो इसीलिए विशेष आपको सुबह में रिक्वेस्ट किया, तो आप पहुंच गए बोलने से, इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक्स है। आप ग्लोबल हॉस्पिटल में 2010 से सेवाएं दे रहे हैं और साथ साथ जैसे आज का युग मॉडर्न युग है तो उसी टाइप से लोगों के आगे पेश आना होता है, तो नए नए तरीकों से बाबा की सेवाएं होती रहती है, तो उसमें आप एक हैं। तो अभी हम उनके द्वारा सुनेंगे, टॉपिक भी वैसा ही है, लॉटरी की फैक्ट्री, सुबह बताया ना मैंने, तो अभी हम डॉक्टर सचिन भाई से सुनेंगे। ओम शांति। पश्चिम जगत के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक रूस के लियो टॉल्स्टॉय ने एक बहुत प्रीतिकर कहानी लिखी है एक गरीब दर्जी के विषय में, एक टेलर के विषय में, जो कि बहुत गरीब है, दर्जी का काम करता है, परंतु उसकी एक आदत है और वो आदत है हर मास में पहली तारीख को जाकर लॉटरी खरीदने की। ऐसा वो लगभग 20 साल से कर रहा है और करते करते ये भूल ही गया है कि कभी लॉटरी भी लगने वाली है, और क्योंकि वो उसकी आदत बन गई है तो वो खरीदता है और इस तरह से अपना जीवन बसर कर रहा है। 20 साल हो जाते हैं और एक दिन अचानक एक अनहोनी घटना घटती है। उसके द्वार पर एक कार आकर रुकती है, एक व्यक्ति उतरता है और उससे कहता है, क्या फला फला दर्जी तुम ही हो? वो कहता है, हाँ मैं ही हूं। क्या तुमने ही लॉटरी खरीदी थी? वो कहता है, हाँ। और वो व्यक्ति उससे कहता है कि तुम्हारी लॉटरी लग गई है। वो बेचारा गरीब शाम का समय टाका लगा रहा है। वो व्यक्ति कहता है, छोड़ो ये सीना पिरोना, तुम्हें 10 लाख की लॉटरी लगी है। और जैसे ही वो दर्जी ये बात सुनता है, होश उड़ जाते हैं, नशा सा चढ़ जाता है और दूसरे ही दिन अपने दुकान को ताला लगाता है और चाबी सामने कुआं होता है उसमें फेंक देता है और झूमते हुए निकलता है। अगले एक वर्ष ऐश आराम, अगले एक वर्ष वो सारे सुख जो उसने कब भोगे ना थे वो सारे भोगता है। ऐसी ऐसी जगहों पर घूमने जाता है, ऐसे ऐसे होटलों में जाता है, वाम मार्ग में जाता है। और उसने तो ये सोचा था कि 10 लाख जीवन पर्यंत चलेंगे, परंतु पैसे कभी टिकते नहीं, पैसे एक जगह कभी रहते नहीं, शायद जीवन का सिद्धांत भूल चुका था। और ऐसे जीवन की उसे आदत ना थी, बेचारा भोला था। इस तरह का भोजन और इस तरह की जीवन शैली जीते जीते बीमार सा पड़ जाता है, और जब एक वर्ष पूरा होता है तो उसके सारे पैसे तब तक खत्म हो चुके होते हैं। फिर याद आता है अपनी दुकान, फिर दुकान के पास आता है, परंतु देखता है इसमें तो ताला लगा हुआ है और चाबी तो कुएं में है। कहानी रूस की है, रशिया।
बहुत ठंड, कुएं का पानी बर्फ हो चुका है, बड़ा मुश्किल से उसमें उतरता है ठिठुरता हुआ और चाबी को ढूंढता है और उसमें फंस जाता है। बड़ी मुश्किल से पड़ोसी उसे बाहर निकालते हैं, सर्दी हो जाती है, हालत और ही खस्ता, और फिर दूसरे दिन से अपना दर्जी का काम चालू करता है। जैसे एक वर्ष नहीं कितने वर्ष बीत गए, और फिर संकल्प करता है अब इसके बाद कभी भी लॉटरी नहीं खरीदूंगा, और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मेरी कभी भी लॉटरी मत लगाना, क्योंकि जो कुछ देखा इस एक वर्ष में खतरनाक था, परंतु एक महीने के बाद क्योंकि आदत बहुत लंबी थी फिर से लॉटरी खरीदता है। परंतु खरीदते समय भगवान से कहता है हे प्रभु खरीद रहा हूं पर लगाना मत, इतना ध्यान जरूर रखना क्योंकि एक बार भुगत चुका हूं, भोग इतने सस्ते नहीं, भोग सस्ते नहीं, कीमत चुकानी पड़ती है। और रोज इसी तरह वही दिनचर्या, फिर से मास पूरा होता है और फिर से लॉटरी खरीदता है, ऐसा एक वर्ष बीत जाता है। और फिर अचानक एक दिन एक कार आके सामने रुकती है और वो डरता है हे प्रभु बचाना, और उसमें से एक आदमी उतरता है, उसके हाथ में एक थैला है, और वो आता है और कहता है फला फला दर्जी तुम ही हो? वो कहता है हाँ मैं ही हूं। क्या तुमने ही लॉटरी खरीदी थी? वो कहता है हाँ मैंने ही खरीदी थी, तुम्हारी लॉटरी लग गई। वो कहता है हे प्रभु बचाओ, नहीं। परंतु रात भर सोचता है इस बार दरवाजा बंद नहीं करूंगा, दुकान बंद नहीं करूंगा, परंतु सुबह होती है फिर दुकान को ताला लगता है, सोचता है नहीं इस बार नहीं। और फिर कुआ सामने है, वो ठंड याद है पिछली बार की, और हालत कितनी खराब हो गई थी और कितना दिन लगे थे, और वो ठंड वो बर्फ वो पानी, परंतु फिर भी हाथ जाता है और चाबी को फेंक देता है। भगवान से कहता है कि इस बार नहीं इस बार नहीं, और वो व्यक्ति उस साल मर जाता है। इच्छाओं का नियम है वो कभी पूर्ण नहीं होती, मृगतृष्णा है भटकाती है चित्त को, पागल कर देती है मनुष्य को, मृगतृष्णा है। और यदि कोई ये कहे भगवान से भगवान के यज्ञ में आकर कि बाबा मैं लॉटरी इसलिए खरीद रहा हूं, आज सुबह की मुरली का वरदान, ताकि आपके यज्ञ में मदद करूं। बाप कहते हैं ऐसा पैसा यज्ञ में नहीं लग सकता, अपनी व्यक्तिगत इच्छा को यज्ञ सेवा के नाम से छिपाना, अपने लोभ को सेवा की संज्ञा देना व्याकरण में त्रुटि है, मूर्खता है, क्योंकि इस तरह की लॉटरी जुए का ही एक प्रकार है, और इस तरह के जितने भी साधन हैं धन कमाने के, ऐसा पैसा इस यज्ञ में भगवान को नहीं चाहिए। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, गरीबों के पाई पाई से परमात्मा तालाब भरेगा। बाप चाहते तो किसी भी साहूकार को टच करा देते, यहां जिसे करोड़पति बनना है उसे सदा के करोड़
क्या कहा आज? गवाने पड़ेंगे संसार की तृष्णाएं, संसार की वासनाएं, संसार की दौड़ भटकाती है। पुरुषार्थ करते करते रास्ते में खड़ा हो जाता है आज सुबह की साकार मुरली, माया गड्ढे में डाल देती है। एक तरफ ब्राह्मण जीवन, दूसरी तरफ संसार, संसार की तृष्णाएं, हम कहां जा रहे हैं? क्या मेरा पुरुषार्थ तीव्र है? दिल दर्पण में देखो, सुबह कहा। कितना देही अभिमानी हूं, दिल दर्पण में देखो। कितना याद में रहता हूं, दिल दर्पण में देखो। मित्र, संबंधी, मां बाप सबको भूलो। मुरली में क्रांतिकारी महावाक्य है सुबह के, मैं तुम्हारा सब कुछ हूं। केवल मुझे सुनो, केवल मुझसे योग लगाओ। मैं तुम्हारा सब कुछ हूं। कुमारों से मुलाकात, संडे की मुरली। यदि कोई दूसरा संबंध याद आए, उसी संबंध से बाप को याद करो, तो बीमारी की हालत में भी ऐसा भोजन बनाओगे जैसे कि कोई दूसरा आकर बनाकर गया। संसार में धन कमाने के ढेर से साधन है, और जो साधन जितना क्विक होगा उतनी ही उसमें गड़बड़ होगी। By the sweat of thy brow thou shalt earn, जो पसीने से नहीं निकल रहा है ऐसी कमाई यज्ञ में नहीं चाहिए। किसी का शोषण करके जो कमाई हो रही है वो भगवान को नहीं चाहिए। जो दो नंबर की है वो उसे नहीं चाहिए। लॉटरी इज अ फॉर्म ऑफ गैम्बलिंग, जुए का ही वो एक प्रकार है। मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, चैनल्स, इस तरह के संसार में असंख्य साधन है, गैजेट्स, ये सब करके जो कमाए वो भगवान नहीं चाहते। कौन सा पैसा उसे चाहिए? पवित्र धन, जो उसकी याद में कमाया हुआ हो, ऐसा धन वो चाहता है। और वो नहीं चाहता, उससे हमारा ही कल्याण है। तो स्वयं को चेक करना है, भाइयों के लिए विशेष, कि जो धन आ रहा है कैसे आ रहा है, जो धन आ रहा है किस प्रकार के प्रकंपन उस धन में है, लोभ के, वासना के, शोषण के, ब्लैक मनी तो नहीं, करप्ट मनी तो नहीं। संसार के इन साधनों में हमें जाने की आवश्यकता नहीं। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, बाप साहूकारों के महफिल में नहीं आते जहां 56 प्रकार के भोग है, बाप गरीबों की महफिल में आते हैं जहां सूखी रोटी है। तो संसार के धन कमाने के साधनों के पीछे नहीं भागना है, जबकि यहां ईश्वरीय लॉटरी लगी है। केवल लॉटरी नहीं, लॉटरी की फैक्ट्री खुली है। सोचो यदि किसी को अचानक लॉटरी मिल जाए तो उसका क्या हाल होता है? क्या होता है? खुशी से पागल हो जाते हैं। एक व्यक्ति था जिसकी अचानक एक दिन लॉटरी लग गई 10 लाख की। उसकी पत्नी को चिंता हुई क्योंकि उसने सोचा मेरे पति ने कभी इतने पैसे देखे नहीं और अचानक इतनी सारी लॉटरी, क्या होगा? घबराहट, बेचैनी हुई। सोचा किसी धार्मिक गुरु के पास जाऊं, बाजू में ही चर्च था, कहानी विदेश की है। गुरु के पास गई, पादरी के पास, उससे पूछा क्या किया जाए, 10 लाख की लॉटरी लगी है, मेरा पति तो
हार्ट अटैक आ जाएगा ये सुनेगा तो। तो पादरी ने कहा इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं हैंडल करता हूं केस को, मैं धीरे धीरे उसे बताऊंगा, एकदम बताऊंगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो वो पादरी घर आता है और उसके पति को बताता है कि तुम्हें 50,000 की लॉटरी लगी है। तो वो पति इतना खुश हो जाता है, 50,000, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। वो कहता है कि 50,000 की अगर मुझे लॉटरी लग गई है तो 25,000 मैं तुम्हारे चर्च को देता हूं। और जैसे ही पादरी 25,000 सुनता है तुरंत हार्ट अटैक आके नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसने कभी इतने सुने ना थे। तो हमें कौन सी लॉटरी मिली है? ईश्वरीय लॉटरी। तो आज की इस क्लास में ढेर सारी लॉटरियां हैं, फैक्ट्री है पूरी संगम युग पर खुली है, भगवान ने आकर खोली है ऐसी ईश्वरीय गॉडली रूहानी लॉटरी। उस फैक्ट्री में से 26 लॉटरियों की हम चर्चा करेंगे जो हमें संगम युग पर मिली है। और एक एक लॉटरी सुनते समय केवल लिखना नहीं, अपनी बुद्धि दिमाग मन के कान खोल कर रखना, लिखते लिखते सुनते सुनते चेकिंग भी चालू रहे, स्वयं को देखना भी चालू रहे कि ये मुझे लॉटरी मिली है परंतु मैं इस लॉटरी का क्या कर रहा हूं। मांगने की आवश्यकता नहीं, मिल गई है और हमने मांगा भी नहीं, उसने आकर दे दिए। आज सुबह की मुरली, मैं आकर तुम्हें सुख का सागर बनाता हूं, खुशियों की तालियां बजनी चाहिए, पहले अंदर फिर बाहर, संकल्प की ताली फिर कर्मेंद्रियों की ताली। तो जब संगम युग आता है और भगवान धरा पर अवतरित होते हैं और अपने एक एक रतन को चुनते हैं तो उसे ढेर सारी चीजों से भर देते हैं। तो उन ढेर सारी चीजों को हम लॉटरी के रूप में, वो कौन कौन सी लॉटरी है उसकी चर्चा करेंगे। मांगने की आवश्यकता नहीं, मांगने का काम संसार के लोग करते हैं। एक व्यक्ति है रोज जाकर भगवान से लॉटरी मांगता है, हे प्रभु मेरी लॉटरी लग जाए, हे प्रभु मेरी लॉटरी लग जाए। एक दिन जाता है नहीं लगती, दूसरे दिन रोज जाता है, भगवान भी कब तक सहन करे। वैसे तो वो कभी बोलता नहीं है भक्तों से, पर उसे बोलना पड़े, अरे भाई पहले लॉटरी खरीद तो मैं लगाऊ। सबसे पहली लॉटरी ए फॉर अमृत वेला। परसों की साकार मुरली, संसार वालों की नींद 8 घंटा होती है, तुम्हारी आधी होनी चाहिए। बस अमृत वेले का समय, सन्नाटे का समय होता है, जैसे संसार मरा पड़ा है, जैसे मूल वतन है एकदम शांति, अशरीरी होना सहज, बाप की याद पक्की, असर सारे दिन भर कमाई। हमारा अमृत वेला और हमारी ये लॉटरी अमृत वेले की, हम क्या कर रहे हैं? क्या इसे लॉटरी के रूप में देख रहे हैं? कैसा श्रेष्ठ समय फिर आया है, संसार विकारी नींद में सोया पड़ा है और हम आत्माएं उठकर भगवान से मिलन मना रही है, कितनी हमारी ये धारणा पक्की है। बहुत समय पहले यहां पर जस्टिस कृष्णा अय्यर आए थे किसी कॉन्फ्रेंस में, इंद्रप्रस्थ में जगदीश भाई का कमरा था, उसके बाजू में रुके थे।
जस्टिस कृष्णा अय्यर को कॉन्शियंस कीपर ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। पद्म विभूषण, 100 से भी अधिक किताबें लिखी, अभी अभी शरीर छोड़ा 99 की उम्र में 2014 में, वो कभी यहां आए थे 80s में, और उनकी आदत थी सुबह सुबह 2 बजे उठना और अपनी किताबें लिखना लॉ की। रात्रि में कल्चरल प्रोग्राम, वो कहते थे मुझे क्षमा करो, मैं नहीं आ सकता आपके प्रोग्राम में, क्योंकि मेरी आदत बनी हुई है और मैं अपनी आदत को तोड़ नहीं सकता। संसार का एक व्यक्ति संसार की किताबें लिखने के लिए अपनी आदत पर इतना अड़िग है, और हम यहां पर बैठे हैं। भगवान आदेश दे रहा है सुबह सुबह उठकर मुझे याद करो। योग नहीं होगा तो मन हैरान करेगा, माया हैरान करेगी। आज सुबह की मुरली में सुंदर वाक्य है, योग नहीं होगा तो माया हैरान करेगी, पागल बना देगी दिन में। ऐसा विकारों का आकर्षण, ऐसा पाप का आकर्षण, विकल्प की परिभाषा सुबह की मुरली में बाबा ने दी है। संकल्प अर्थात शुद्ध ख्याल, विकल्प अर्थात अशुद्ध ख्याल। विकल्प आएंगे, किसी को दुख दू, किसी को कोई विकर्म करूं। चाहते सब कुछ है कि अच्छा ही हो, परंतु स्थिति दुर्योधन सी है, जो कहता है गोविंद मैं क्या करूं, मुझे पता है मैं जो कुछ कर रहा हूं सब गलत है, परंतु मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, वो पावर, वो शक्ति, वो सामर्थ्य मुझ में नहीं। गलत जानते हुए भी न रोक पाना, ग्रहचारी। सारे दिन का फाउंडेशन अमृत वेला है, अमृत वेला ये लॉटरी मिल रही है और हम उसमें क्या कर रहे। अमृत वेले उठ जाओ, डेड साइलेंस और शरीर से डिटैच हो जाओ। जीवन की जितनी समस्या है सबका हल अमृत वेला है। और यदि अमृत वेला साधारण हो रहा है, यदि अमृत वेला नींद में जा रहा है, यदि अमृत वेला व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं, और यदि अमृत वेला नियमित नहीं है, रेगुलर नहीं है, कभी 4 है, कभी 3.5 है, कभी 3.25 है, और कभी 5, और साथ साथ पश्चाताप प्रायश्चित, और साथ साथ दुख है, श्रीमत को नहीं मानेंगे तो माया पंख को काट देगी। कल की मुरली, जो श्रीमत पर नहीं चलते वो सबसे बड़े अजामिल। अजामिल वो संसार की आत्माएं नहीं है जो पाप करती है, अजामिल अर्थात जो यहां है और विकर्म करती है, जो इस ईश्वरीय परिवार में रहकर उसी की आज्ञा का उल्लंघन करती है जो इसका मुखिया है। पहली लॉटरी है अमृत वेला, सबसे पहले इसको ठीक करना है, बाकी सब चीजें बाद में। और उसकी तैयारी रात से चालू होगी, और उसकी तैयारी में सारे डिजिटल माया को रोकना पड़ेगा। कम से कम सोने से आधा घंटा पहले तो व्हाट्सएप, फेसबुक, मीडिया, इंटरनेट, सब कुछ। सोने की विधि क्या है? सोने का अंतिम संकल्प उठने का प्रथम संकल्प होगा। क्या डाला जा रहा है सबकॉन्शियस में, वही प्रथम होगा। इसके लिए इस लॉटरी को खोना, मिस करना, भाग्य को खोना है। सबसे पहले उसे नियमित करो, और सब कुछ करने के बाद भी यदि उठ नहीं सकते तो किसी की मदद लो, किसी को कहो कि उठा है, चाहे फोन से या वैसे, परंतु इस नियम को ठीक करना है। और उठने के बाद में भी केवल बुद्धि भटकती है तो शायद ज्ञान का चिंतन कम है, ज्ञान का मनन कम है। बुद्धि क्यों भटक रही है? जरूर कोई ना कोई विकर्म किया है, जरूर सारे दिन भर श्रीमत की कोई अवहेलना, उल्लंघन हुआ है। तो माया बदला अमृत वेला लेगी, सुला देगी। व्यर्थ संकल्प आएंगे, कितने कार्य करने हैं, सारे विश्व को सकाश देनी है, संसार की आत्माएं तड़प रही है, दुखी है, उदास है, कौन उन्हें सकाश देगा?
सुबह की साकार मुरली रिस्पॉन्सिबल आत्मा अपने खाते का विचार रखेंगी, क्या कट हो रहा है, क्या जमा हो रहा है। ऐसा कोई कर्म विकर्म पाप शब्द चलन व्यवहार ना हो जिससे तेजी से मार्ग कट हो जाए। जमा करने को कितना समय लगता है, पाई पाई, और नीचे उतरने को एक सेकंड। संसार में विकार है और वासनाएं हैं हवाओं में, हमें स्वयं को सुरक्षित रखना है। तो सबसे पहली लॉटरी है अमृत वेला, एक दिन भी मिस ना हो। ब्रह्मा बाप की शुगर बढ़ गई थी, बीपी बढ़ गया था, मनमोहिनी दीदी ने समझाया बाबा, डॉक्टर का कहना है कि आप थोड़ा आराम करो, रात्रि भी देर से सोते हो। बाबा ने कहा मैं किसकी सुनूं, उस डॉक्टर की सुनूं या सुप्रीम डॉक्टर की सुनूं? सुप्रीम सर्जन कह रहा है अमृत वेला उठो और वो डॉक्टर कह रहा है सो जाओ। फिर भी दीदी नहीं मानी और दीदी ने बाबा को बहुत समझाया, बिल्कुल नहीं। बाबा ने लास्ट में कहा ठीक है देखता हूं, और दूसरे दिन अमृत वेला चुपके से पीछे से आके बैठ गए। आज सुबह की साकार मुरली, मम्मा बाबा भी तुम्हारे जैसे मनुष्य है, कान से सुनते हैं। मम्मा बाबा भी तुम्हारे जैसे मनुष्य है, कान से सुनते हैं। जब एक व्यक्ति कर सकता है तो सभी कर सकते हैं। जब एक ने कर दिखाया तो दूसरे भी कर दिखा सकते हैं। पहली लॉटरी ए फॉर अमृत वेला, दूसरी लॉटरी बी, हम एबीसीडी से जाएंगे ए से लेके जेड तक। दूसरी लॉटरी है बी फॉर ब्रह्मा भोजन, 16 फरवरी 1988 अव्यक्त मुरली। यह भोजन दुख भंजन, दुख भंजक भोजन है। इसमें दवा भी है और इसमें दुआ भी है। शुद्ध अन्न से मन शुद्ध होगा। अव्यक्त महावाक्य बाबा के 69 की मुरली, शायद 28 अगस्त। जो बच्चे प्यार से भोजन बनाते हैं, बाप उस भोजन में और प्यार भर कर खिलाते हैं। जो बच्चे प्यार से टोली बनाते हैं, बाप उसमें और प्यार भर कर टोली खिलाते हैं। तो जो भोजन आ रहा है, कितनी उसको हमें उसकी कितनी वैल्यू है। इतना सारा बना हुआ है, हमें पता नहीं क्या है, कभी खाया नहीं, और बहुत सारा थाली में ले लिया और फिर डाल दिया वहां पर। ब्रह्मा भोजन के लिए रिगार्ड नहीं, अर्थात ब्रह्मा बाप के लिए रिगार्ड नहीं और यज्ञ के लिए रिगार्ड नहीं। एक एक कणा मुहर है, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। तो ब्रह्मा भोजन की लॉटरी मिल रही है, किस आदर से, किस सत्कार से, किस सम्मान से और किस प्रसन्नता से उसे खाया जा रहा है, या कंप्लेंट से खाया जा रहा है, इसमें नमक कम है। जैसा वो खिलाए, जहां वो रखे, थाली में वो जो दे दे, स्वीकार है, राजी तेरी रजा में। समर्पण अर्थात उसकी इच्छा और हमारी इच्छा अलग ना हो। महत्व जानना, याद में बनाना, भोग लगाना, याद में खाना, तृप्त होकर खाना, क्रोध में नहीं। क्रोध में खाया हुआ भोजन मांसाहार है। अंदर आग है,
कैसे खा रहे? प्रसन्नता से, ग्रेटिट्यूड से, खुशी खुशी से, या जल्दी जल्दी में, या बातें करते करते, टेबल टॉक्स? कुंज दादी हमेशा अनुभव सुनाती थी, बाबा के पास पहुंची, बहुत सेवाएं करके आई और बाबा को सुनाने लगी, बाबा मैंने ये किया वो किया। बाबा भोजन कर रहे थे, बाबा ने कहा बच्ची तुमने हमें अपने साजन से जुदा कर दिया। भोजन मौन, मन का भी और मुख का भी, ताकि एक एक निवाला जो जाए उसको हम दृष्टि दे, याद में खाए, वो भोजन का समय भी याद का समय बन जाए, चाट बढ़ेगा, चाहे यहां चाहे घर। दूसरे क्या कर रहे हैं वो नहीं देखना है, जिसको जो करना है करे, हम अपने नियमों पर स्थिर। अति आवश्यक चीजें हैं, बोलनी है वो ठीक है, परंतु अन्यथा मौन में प्रसन्नता से धन्यवाद देते हुए और सकाश देते हुए ऐसे सोचो जैसे कल्प वृक्ष है उसके जड़ों में बैठकर भोजन कर रहा हूं, और उस भोजन से, भोजन जो मुझ में जा रहा है और मुझसे सारे वृक्ष में जा रहा है, संसार की एक एक आत्मा को वो भोजन मिल रहा है, जो भूखी प्यासी आत्मा है उनको भी ये भोजन प्राप्त हो रहा है। जैसे दुर्वासा और द्रौपदी का उदाहरण, उधर कृष्ण ने थोड़ा खा लिया और सारे साधु संतों का पेट भर गया। हम इधर खाए इस संकल्प से कि संसार की एक एक आत्मा को ये दुख भंजक भोजन मिल रहा है, खाते ही उसके जीवन के दुख दर्द पीड़ा व्याधि समाप्त होगी, हमारी तो होगी उसकी भी होगी। और 24 घंटे में एक बार जो माताएं हैं अपने घरों में भोग जरूर लगाए, कौन कौन लगाता है, और जो नहीं लगाती वो शिव बाबा को अपना बच्चा बनाया है नहीं बनाया तो उसको भूखा अनन्य भाव से भगवान प्रेम का भूखा, प्रेम का प्यासा और भावना का भूखा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रेष्यति। हे अर्जुन मुझे पत्र पुष्प और फल भी दे दो, परंतु भाव से, अनन्य भाव से तो मैं उसे स्वीकार करता हूं, मुझे वो सब चीजें नहीं चाहिए, तुम्हारी भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। तो दूसरी लॉटरी कौन सी है? ब्रह्मा भोजन की लॉटरी। इसके महत्व को कभी कम ना करना, इसे कभी वेस्ट ना करना। नई चीज दिखाई दे रही है, थोड़ा ही लेना। जो कभी खाया नहीं है थोड़ा ही लेना, और इतना नहीं ले लेना ये सोच के कि पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। सी चैरिटेबल एक्शन अर्थात पुण्य कर्म। तीसरी लॉटरी संगम पर हमें मिली है, सी अर्थात चैरिटेबल एक्शन अर्थात पुण्य कर्म। हमारे सारे कर्म कैसे हो? 7 चीजें इसमें होनी चाहिए। 1, 7ों में से सभी हो जाए तो बहुत अच्छा, वो एक एक कर्म शक्तिशाली कर्म हो जाएगा, श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा, महान कर्म हो जाएगा, भक्ति में चरित्र के रूप में गाया जाएगा। जो जो यहां कर्म होंगे, सबसे पहले वो हर कर्म जो आत्म अभिमानी स्थिति में किया जाए श्रेष्ठ कर्म है। दूसरा, वो हर कर्म जो भगवान की याद में, बाप की याद में किया जाए, हथ कार्डे दिल यार्डे, वो श्रेष्ठ कर्म है। तीसरा, वो हर कर्म जो श्रीमत पर किया जाए श्रेष्ठ कर्म है। संडे की मुरली। दूसरा प्रश्न,
तुम बच्चों को अपना कौन सा निजी संस्कार बनाना है? निजी संस्कार बनाना है मुझे आगे से आगे बढ़ना है, किसी दूसरे की वजह से नीचे नहीं आना है, किसी दूसरे की वजह से अपनी खुशी अपना समय नहीं गंवाना है। हां सहयोग दो परंतु सहानुभूति का भी रूप हो, परंतु खुद पीछे नहीं आ जाना। श्रीमत के विरुद्ध किसी को सुख देना, दोनों ही दुखी होंगे। नाराज हुआ तो चलेगा, अल्पकाल की नाराजगी होगी। कोई पुराना मित्र ही मिल जाए लौकिक का और कहे चलो थोड़ा घूम के आते, पहले भी तो हम घूमते थे बचपन में, तो क्या कहेंगे भाई लोग? मित्र ही मिल गया कॉलेज का, उसके बाद में हम ज्ञान में आए थे, वो पुराना यार, और अभी आके कहता है चलो थोड़ा पिकनिक घूम के आते हैं, थोड़ा मार्केट में या और कहीं हॉस्टल में थोड़ा खाना खाते हैं, क्योंकि पहले तो साथ में ही भोजन करते थे, तो क्या कहेंगे चलो? और वो उसका नाराज हो जाएगा, वो दिल टूट जाएगा। तो अपनी धारणाओं से आत्माओं को अवगत करना है, मानेगी वो? अब हम वो ना रहे जो पहले थे, अब हम बदल चुके हैं और ये हमारी धारणाएं हैं। प्रेम से स्वीकार करेंगे वो भी, यदि हम उसे समझाएंगे तो। डरना नहीं है इसमें। चौथा, हर वो कर्म निमित्त भाव से जो किया जाए श्रेष्ठ कर्म है, जिसमें मैं है, मैं कर रहा हूं, अहंकार की अभिव्यक्ति है। पांचवा, निस्वार्थ, वो हर कर्म जो निस्वार्थ भाव से किया जा रहा है, विश्व कल्याण के भाव से किया जा रहा है, अपने लिए नहीं है, अपने संकीर्ण तथा से बाहर निकल कर किया जा रहा है। लास्ट संडे के लास्ट संडे की मुरली, साक्षी दृष्टा बनो, एक तन के दूसरा मन के। बच्चा ज्ञान में नहीं चलता, बाबा इसकी बुद्धि का ताला खोलो। कभी ऐसा कहा कि मेरे गांव के और मेरे शहर के बुद्धि का, देश के बुद्धि का ताला खोलो? हदों से बाहर निकलना है। बेहद कितना प्यार करते हो बाप से, ब्रह्म तत्व इतना या आकाश इतना, बेहद में चलना है। छठवा, अटेंशन, हर कर्म जो अटेंशन रख कर किया जाए, त्रिकालदर्शी स्थिति में किया जाए, माइंडफुलनेस से किया जाए, अवेयरनेस से किया जाए, ऐसा नहीं बेहोशी में, ऐसा नहीं हमें तो पता ही नहीं था हम तो भूल गए। अटेंशन, सावधान, सारा संसार देख रहा है हम हीरो एक्टर से स्टेज पर। सातवा, डिटैचमेंट, कर्म किया और डिटैच, कोई नाम नहीं चाहिए, कहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं, कोई प्रोपोगंडा नहीं, डिटैच, कर्म कर लिया, काम पूरा हुआ, किसी से कर्म और कर्म के परिणाम से कोई अटैचमेंट नहीं। संडे की मुरली छोड़ो तो छूटे, तीसरी प्रकार की डाली, अलौकिक सेवा में सफलता भी एक डाली है, सफलता में भी आत्मा फंस जाती है। सेवा की बहुत सफलता हुई, फंस गई, खुशी बहुत हुई, सेवा कोई की असफलता हुई, दुखी हो गई। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, दीदी से मुलाकात, कर्मातीत अर्थात कर्म और कर्म का परिणाम दोनों ही तुम्हें टच ना करे, ये परिभाषा है। कर्मातीत अर्थात शरीर छोड़कर जाना नहीं, कर्म और कर्म का परिणाम दोनों ही तुम्हें टच ना करे, यह है कर्मातीत स्टेज। कर्म किया, निस्वार्थ कर दो, छोड़ दिया, कोई लेना देना नहीं, जैसे ना ही उसकी खुशी से अत्यधिक खुशी है, ना ही उसकी असफलता से बहुत दुख है। उसका कर्म था वो जाने, बाप का है तुम जानो, तुम्हारा है तुम जानो, छोड़ो तो छूटे, ये शरीर भी और ये मन भी। तो तीसरी लॉटरी कौन सी है? चैरिटेबल एक्शन अर्थात पुण्य कर्म। डी, डिवाइन फैमिली, दैवी परिवार, ईश्वरीय परिवार,
प्रभु परिवार, ये एक बहुत बड़ी लॉटरी हमें मिली है, परंतु यदि इस परिवार में वैमनस्य है, मनमुटाव है, इस परिवार में मनोमालिन्य, झगड़ा है, लड़ाई है, ईर्ष्या है, द्वेष है, बदला है, तो भगवान ने आकर संगम युग पर जो परिवार दिया है, क्या कहेंगे हम? ये परिवार एक बहुत बड़ी लॉटरी है, किला है ये, इसके बीच में रह के विकर्म नहीं हो सकते, हट जाओगे, किनारा कर लोगे तो पाप होने की संभावना बहुत है, क्योंकि इतनी सारी ब्राह्मण आत्माएं चाहे कैसी भी हो, परंतु भगवान को तो जाना, पवित्रता को तो अपनाया, अपने जीवन को तन मन धन से अर्पण तो किया, यही उनकी महानताएं है। संसार में कोई कितनी भी महान हो, कुछ भी हो, क्या उन्होंने भगवान को जाना? शंकराचार्य इमाम, पैगंबर, पयंबर, मैसेंजर, अवतार, तीर्थंकर, बुद्ध, किसने जाना? इन्होंने जाना। इसलिए एक एक आत्मा, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के कि बाप और बच्चों में क्या अंतर है, यदि किसी में 9 अवगुण है और 1 गुण है तो बच्चे उन 9 अवगुणों को देखते हैं और बाप उस गुण को देखते हैं, यही अंतर बाप में और बच्चों में है। क्यों भगवान ने उसे चुना, उस पूरे गांव में से उसको कैसे चुन लिया? कुछ तो देखा होगा उसमें, उसके बाजू वाले को नहीं चुना, वो भी एक अच्छा सा भगत था बाजू में, पर उसको चुना। और हम सोच रहे हैं इन निर्गुणहारों में कोई गुण नहीं, प्रभु परिवार एक बहुत बड़ी लॉटरी है। ब्राह्मण कल्चर अपनाया है सबने, कहां कहां से आए, किस किस देश से, किस किस भाषा से, धर्म की दीवार लांग कर यहां आए हैं, जरूर महानताएं छिपी है, त्याग छिपा है एक एक में। इसीलिए किसी भी ब्राह्मण आत्मा के प्रति उसके एब्सेंस में या उसके सामने हमारे मुख से निंदा, ग्लानी, अपमान के शब्द न निकले, ये भी नहीं, ये तो है ही ऐसा, वो भी सूक्ष्म में हम उसकी निंदा कर रहे हैं, उसको गिरा रहे हैं। ई फॉर इटर्नल इनकम, अर्थात अविनाशी कमाई। संगम युग पर ये अविनाशी कमाई हो रही है, और किसी युग पर ऐसी कमाई नहीं होगी जो पूरे इतने कल्प चलेगी। जो कमाई अब की जा रही है, चाहे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, कुछ भी चारों में से, ये अविनाशी ज्ञान रत्न है, सुबह की साकार मुरली, दुनिया वाले इसका महत्व नहीं समझते। इटर्नल इनकम लॉटरी है, ये ऐसा व्यापार है, इसमें कभी जमा होता है तो कभी ना भी होता है। सुबह हमारा क्या हो रहा है, मेरा क्या हो रहा है, जमा कितना हो रहा है और ना कितना हो रहा है, कट कितना हो रहा है, स्वयं को फिर चेक करना है, स्वयं को फिर दिल दर्पण में देखना है कि आज सारे दिन में जमा हुआ या कट हो गया। किसी के साथ बैठ गए और घंटा भर बातें चालू है, संसार की, पॉलिटिक्स की, स्पोर्ट्स की, व्यर्थ की, और 1 घंटा गया, समय का खजाना है। इटर्नल इनकम, एफ फॉर्च्यून, अर्थात भाग्य। जो भाग्य हमें मिला है वो एक बहुत बड़ी लॉटरी है। अपने भाग्य की स्मृति, अपने भाग्य की लिस्ट बनाना, अपने भाग्य पर चिंतन करना, सोचते रहना, तो ट्रैफिक कंट्रोल होगा मन ही मन। जो जो मेरे भाग्य है या बाबा से जो जो मिला है, उन सारी पॉइंट्स को याद करो, कम से कम 25 ऐसी बातें, और बाबा को साथ साथ धन्यवाद दो। जी, ज्ञान मुरली, सबसे बड़ी लॉटरी तो
मुरली है, उस मुरली का हम कितना चिंतन कर रहे हैं, कितना उसको समझ रहे हैं, कितना उसको महत्व दे रहे हैं, वाक्य वाक्य का अर्थ कितना अंदर गहराई से उतर रहा है। केवल सुनना और पॉइंट्स लिख देना ये पुरानी चाल है। कितनी उसकी चर्चा हो रही है आपस में बैठकर, कितना उसके विषय में एकांत में जाकर मौन में रहकर सोचा जा रहा है। उस खजाने को स्वयं के अंदर धारण हम कितना कर रहे हैं, बुद्धि को कितना सूक्ष्म बनाया है। शिव बाबा बहुत सूक्ष्म है, उसका ज्ञान भी बहुत सूक्ष्म है, और ऐसे सूक्ष्म को समझने के लिए हम स्वयं बहुत सूक्ष्म चाहिए, और सूक्ष्म आत्मा बनेगी प्यूरिटी से, धारणाओं से, श्रीमत से। तो मुरली केवल कन रस न रह जाए, ज्ञान के इस शिविर में बैठकर भक्त नहीं बन जाना जो केवल कनरस ले। वो भक्ति में बहुत किया है, अभी कुछ और करना है। ये पढ़ाई है, स्टूडेंट जैसे पढ़ता है वैसे इसको पढ़ना है। स्टूडेंट होमवर्क करता है, मुरली से प्रश्न निकालने हैं, टॉपिक्स निकालने हैं और होमवर्क करना है। ये बाबा ने क्यों कहा, इसका क्या अर्थ है, क्या शब्दार्थ है, क्या वाक्यार्थ है, क्या गुणार्थ है, क्या भावार्थ है। साधारण से दिखने वाले इन शब्दों में गहन अर्थ छिपा है, वो क्या है ढूंढना। तो जी फॉर ज्ञान मुरली लॉटरी है, एच होली कंपनी अर्थात सत्संग। होली कंपनी किनका हम संग कर रहे हैं? सबसे पहले तो एक उसका संग, और दूसरा श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माओं का संग। यदि हम कितने भी महान हैं, परंतु यदि हम हमारा संग कुसंग है, उन आत्माओं के साथ है जो जागृत नहीं है ज्ञान योग धारणा योग के प्रति, तो वो हमें नीचे खींच कर लाएंगे। इसके लिए संग बहुत जरूरी है। किन आत्माओं का संग किया जा रहा है? क्या वो सजग है तपस्या के प्रति, समय के प्रति, मुरली के प्रति, या उनके लिए रूटीन है? साधारण का संग तो हम भी साधारण, परंतु जहां पर श्रेष्ठ संग है, ऐसी आत्माओं का संग है जो योगी है, तपस्वी है, त्यागी है, वैरागी है, धधकता वैराग है जिनके हृदय में। संसार और संसार की चीजें व्यर्थ है, गौन है, ऐसो का संग अर्थात सत्संग। एक परमात्मा का संग अर्थात सत्संग लॉटरी है। क्या मैं इस लॉटरी को मैंने पाया है या गवा रहा हूं? जैसे कहानी में उस दर्जी, लॉटरी तो बहुत अच्छी मिली पर एक साल में पूरा गवा दिया। आय, आय अर्थात इंटॉक्सिकेशन अर्थात नशा, रूहानी नशा, रूहानी खुमारी कितनी चढ़ रही है। या दुख में है, नशा चढ़ना चाहिए, नशा, रूहानी नशा, स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन। कैसे चढ़ता है नशा संसार में? व्यक्तियों को नशा कब चढ़ता है? नशा कब चढ़ता है? पहले तो डोज बढ़ाना पड़ेगा, इतने सारे डोज से नशा नहीं चढ़ेगा। नशा अर्थात चलते चलते डोलना चाहिए व्यक्ति, तो पहला तो डोज बढ़ाओ, दूसरा बार बार लेना पड़ेगा, एक बार सुबह ले लिया और काम पूरा हुआ, ऐसे नहीं बार बार पीते ही रहो, ग्लास भरा पड़ा हो। तीसरा नीट सॉल्यूशन चाहिए, मिक्स नहीं चाहिए उसमें कुछ, प्योर सॉल्यूशन, प्योर ड्रिंक। चौथा उसके साथ और दूसरे ड्रिंक साथ साथ नहीं पीना, एक ही ड्रिंक पीना बस,
और पांचवा जब दोस्तों की महफिल में पिया जाता है तो नशा बहुत चढ़ता है। पांच चीजें चाहिए नशा चढ़ने के लिए, तो ये नशा चढ़ने के लिए भी यही सारी पांच चीजें चाहिए, जो उधर वो इधर। डोज बढ़ाओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, नीड सॉल्यूशन, और कोई ड्रिंक साथ में नहीं, केवल अव्यक्त मुरलिया का चिंतन, और लास्ट सबके साथ चर्चा। उसके बाद जी कहां थे हम, जे अर्थात ज्वेल ऑफ कंटेंटमेंट, संतुष्ट मणि बनना, ये संगम युग पर बहुत बड़ी लॉटरी है। बना हूं या भी अतृप्त है आत्मा, भगवान को पाने के बाद भी यदि अतृप्त है तो संसार भी मिल जाए तो भी अतृप्त ही रहेगी। ज्वेल ऑफ कंटेंटमेंट, संतुष्ट मणि, ये लॉटरी है। के अर्थात किंगडम ऑफ सेल्फ, स्वराज्य अधिकार, बहुत बड़ी लॉटरी है। परंतु स्वराज्य अधिकार को छोड़कर यदि बार बार इंद्रियों के वश हो रहे हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द खींच रहे हैं, अधीन हो रहे हैं, इंद्रियां चलायमान हो रही है, स्वराज्य का अनुभव नहीं हो रहा है, आत्मा को अनुभव हो मैं मालिक हूं, अर्थात लॉटरी है। यदि यह अनुभव हो रहा है कि मैं परवश हो जाता हूं, पता नहीं मैं देखना नहीं चाहता, पता नहीं क्यों दरवाजा बंद नहीं करना है परंतु ताला फिर भी लग रहा है, चाबी फेंकनी नहीं है कुएं में परंतु पता नहीं क्यों अपने आप फेंकी जा रही है, भगवान से प्रार्थना भी कर रहे कि लॉटरी नहीं लगे, नहीं लगे, नहीं लगे, चाबी नहीं फेंकूंगा, नहीं फेंकूंगा, नहीं फेंकूंगा, परंतु हाथ फेंक रहे हैं परवश। सबसे बड़ी लॉटरी स्वराज्य की लॉटरी है, मैं स्वराज्य अधिकारी अर्थात अपना मालिक, आंखें उसे मैं बताऊंगा क्या देखना है और क्या नहीं, ऐसा नहीं कुछ देख लिया और फिर पश्चाताप कर रहे और फिर सोच रहे उसके विषय में क्यों देखा, अजामिल ने क्या हुआ था, बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण था, विकार देखा उसके बाद में पाप कर्म में प्रवृत्त हुआ, मीडिया इंटरनेट क्या देखना है और क्या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा, आत्मा मालिक। के बाद एल, लव, लास्टिंग हैप्पीनेस, अविनाशी खुशी, ये बहुत बड़ी लॉटरी है। परंतु खुश न रहकर संगम युग पर दुखी है, उदास है, बार बार रोना आता है, आंसू आते हैं, जरूर कुछ ना कुछ श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है, डिप्रेशन है, नींद नहीं, अनिद्रा, किसी ना किसी रूप से फ्रस्ट्रेशन है, अवसाद है, तो क्या कहेंगे, लॉटरी मिली या नहीं मिली, जिस जिसको नहीं मिली वो हाथ खड़ा करना, नहीं मिली। और जो दुखी है वो शायद उन्हें नहीं मिली। यदि दुखी है तो पहले स्वीकार करना है क्यों है, उस कारण तक पहुंचना, उसे नष्ट करना, क्या करूं, क्यों दुख है, कौन सी वो सूक्ष्म श्रीमत है जिसका मैं उल्लंघन कर रहा हूं, एल, एम, एम फॉर मधुबन, धन्य भूमि वन पंत पहारा, जहां जहां नाथ पाव तुम धारा, जहां भगवान ने पैर रखे है वह भूमि, इस भूमि में आना, इस भूमि में आकर तपस्या करना, कितनी बड़ी लॉटरी है। और यदि इस लॉटरी मिलने पर भी यहां आकर भी तपस्या न कर बाकी चीजों में लगे हैं, डिजिटल माया में खोए हैं, तो क्या कहेंगे, आत्मा को भरना है या पावर से, योग से, तपस्या से, वैराग से, तप से, अग्नि से। वो जो परमात्मा प्रेम की अग्नि कभी प्रज्वलित हुई थी इस शुरुआत में जब ज्ञान में आए थे, शायद कहीं बुझ गई, अवसर दिया है नियति ने फिर से स्वयं को जगाने का, प्रेम अग्नि को प्रज्वलित करना है।
योग अग्नि को प्रज्वलित करना है, तप अग्नि को प्रज्वलित करना है, त्याग अग्नि को प्रज्वलित करना है, ज्ञान अग्नि को प्रज्वलित करना है, पवित्रता की अग्नि को प्रज्वलित करना है, वैराग की अग्नि को प्रज्वलित करना है। सप्त अग्नियां हैं, सातों अग्नियों को पुनः लगन की अग्नि फिर से प्रज्वलित करना मधुबन में आकर, और यहां आकर वही करना जो करने आए थे। इधर उधर की चीजों में ये ऐसे क्यों करते हैं और इन्होंने ऐसा क्यों किया, दोष देखने में समय नहीं गंवाना। M फॉर मधुबन, N फॉर न्यू लाइफ, नया जीवन, नई सुबह, नई किरण, नया प्रकाश, नई सब कुछ, नया 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 नया, ये सौगात है, ये लॉटरी है जो हमें मिली है। N, क्या क्या नया मिला है कल के लिए आपके लिए होमवर्क है, सब अपना अपना लिखे, मुझे इस जीवन में क्या क्या नया मिला है, नई मुरली, नया वरदान, सब कुछ पॉइंट्स लिखने, कम से कम 50 पॉइंट्स ऑफ न्यूनेस, मुझे इस ब्राह्मण जीवन में क्या नया मिला है। कल जब भी समय मिले एकांत में बैठो और ये पॉइंट्स लिखना चालू करो, मन एकाग्र हो जाएगा लिखते लिखते। एम एन ओ, ओ अर्थात ऑब्जर्विंग मर्यादाज एंड नियम, ये लॉटरी है। यदि मैं मर्यादाओं का पालन कर रहा हूं, नियमों का पालन कर रहा हूं, यज्ञ के सारे, तो ये मुझे लॉटरी है, ये अन्यथा ये लॉटरी मैं गवा रहा हूं। हाथ से वैसी ही जा रही है, एक एक नियम जो बना है बल है उसमें, शक्ति है उसमें, पावर है, अदृश्य शक्ति, जो पालन करेगा उसको शक्ति आ जाएगी। ऊपर से दिख रहा है नुकसान, परंतु भगवान ने कहा है फायदा छिपा है। पी, पी फॉर प्यूरिटी, प्यूरिटी सबसे बड़ी लॉटरी है। इस प्यूरिटी का यदि अंश मात्र, संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र भी खंडन हो रहा है तो हम लॉटरी गवा रहे हैं। इसके लिए अपनी प्यूरिटी को इस मधुबन भूमि में आकर फिर से चेक करो, बार बार चेक करो कहां सूक्ष्म में उल्लंघन हो रहा है। संकल्प और नजर से भी देह को टच करना अर्थात महा महा महापाप, भगवान के महावाक्य है। संकल्प और नजर से, हाथ से नहीं, संकल्प और नजर से इस तन को टच करना, अपने ब्रह्मचर्य को और अपनी प्यूरिटी को फिर से रिवाइज करना है, स्वयं को याद दिलाना है। वही आधार, वही फाउंडेशन है, वही अगर हिल रहा है तो ब्राह्मण जीवन हिलेगा। डगमग स्वरूप होंगे, हलचल स्वरूप, तुम्हारा यादगार फिर चंचल घर बनेगा, अचल घर नहीं। क्यू, क्यू अर्थात क्वेश्चन समाप्त की लॉटरी। यदि जीवन में अभी भी क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, पकड़ रहे कोई मिल जाए और उसको पूछूं, याद रखना कोई भी प्रश्न का, हमारे जीवन के किसी भी प्रश्न का कोई दूसरा उत्तर कभी नहीं दे सकता। प्रश्न का उत्तर अंतर मन में छिपा है, किसी दूसरे से आ ही नहीं सकता, ब्रह्म है, अंतर मन की गहराई में ही उसे खोजना है। द आंसर लाइज इन द सबकॉन्शियस माइंड। तो एक लॉटरी है, प्रश्न सारे समाप्त, और क्यों भक्तों की अभी से चालू हो जाए, यह भी लॉटरी है, संगम युग पर ही। आर, आर अर्थात रिलेशनशिप, ऑल रिलेशनशिप विथ वन फादर, सारे संबंध एक बाप से, फिर से साकार मुरली आज की सुबह की, मैं तुम्हारा सब कुछ हूं, सब कुछ, सब कुछ में सब कुछ आता है। आर क्या बनाया है, पर स्वयं से पूछना है, बनाया है। एक माता ने अभी अभी हमको अनुभव सुनाया था क्लास में कहीं पर,
कि बाबा को भैया बना के रखा है। हमने कहा भैया क्यों बनाया? उसने कहा था बहुत बंधन था पति से पवित्रता के लिए, भैया मेरे राखी के बंधन को तुमको निभाना पड़ेगा, आओ। और बाबा ने हमेशा मदद की। सर्व संबंध, वही मां वही पिता सर्वस्व, वही सर्वे सर्वा, बी ऑल एंड एंड ऑल, द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ द वर्ल्ड, सब कुछ वही। एस एस अर्थात श्रीमत, श्रीमत की लॉटरी मिली है। पहले जानो श्रीमत क्या है। एक लिस्ट बनी है श्रीमत की, 108 श्रीमत, जिसके पास नहीं होगी वो ले ले, मिल जाएगी कहीं तो, पीडीएफ फाइल या प्रिंट। 108 श्रीमत, सारे नियम उसमें है, ये करना है। पहले पता तो चाहिए, यदि हमें पता ही नहीं, रोड के रॉन्ग साइड से चल रहे, पुलिस पकड़े तो क्या कहता है? अगर हम उसे कहें मुझे पता नहीं था इधर से चलना है, छोड़ देता है? इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नन। बाद में ये मत कहना ये हमें पता नहीं था, ये आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न है, सब बता के रखा है उसने। ढूंढना पड़ेगा कहां है। एस फॉर श्रीमत, एस के बाद टी, ट्रेजर्स, सारे खजाने, ज्ञान, गुण, शक्तियां, समय, संकल्प, संतुष्टता, खुशी, पुण्य, कर्म, दुआएं, 9 खजाने हैं। सारे खजाने बहुत बड़ी लॉटरी है, एक भी खजाना कम ना हो। टी यू, अनलिमिटेड विजन, बेहद की दृष्टि, वही अपनी संकुचित धारणाओं में, धाराओं में नहीं बहना है, अपने आप को थोड़ा ऊपर निकालना है, अपने घर परिवार समाज से हटकर थोड़ा सा ऊपर, देश से भी उठकर विश्व, यहां बैठकर देखना है ये सब क्या है, नीचे मैं क्या कर रहा हूं, समाज के लिए, संसार के लिए, विश्व के लिए, अपने आप को हदों से ऊपर उठाना है। और उठेंगे संकल्प मात्र से, संकल्प करो और उठे, आसान विधि है। यू अर्थात अनलिमिटेड विजन, अनलिमिटेड अर्थात बेहद, विजन अर्थात दृष्टि, अनलिमिटेड विजन। यू वी, वी से बहुत सारी चीजें हो सकती है, पर हम एक ही ले रहे वरदान, विवाह भी हो सकता है। बाबा के साथ सुबह सुबह एक बार विवाह करके आ जाना, माता है, भाई भी, फिर किसी की याद नहीं आएगी। तो वी अर्थात वरदान, वरदान एक बहुत बड़ी लॉटरी है। रोज की मुरली में जो वरदान मिलता है, जैसे आज की मुरली में था, उस वरदान का हमने कितना चिंतन किया, मन को बिजी कर देना है चिंतन में, ताकि कोई भी टाइम वेस्ट नहीं हो। यहां से नीचे जा रहे, वेटिंग कर रहे, मन में अंदर चिंतन चलते रहे। गॉडली बुलबुल कल था, ज्ञान की टिकलू 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 होती रहे निरंतर, हमेशा, टाइम वेस्ट ना हो। अंदर विचार, धक्का देना है बुद्धि को, टॉपिक देना है, संकल्प देने हैं, बातें बतानी है और उन पर चिंतन करना है। यू वी डब्लू, डब्लू से क्या हो सकता है? वेस्ट थॉट की लॉटरी। विजडम, डब्लू फॉर विजडम अर्थात विवेक मिला है इस संगम युग पर। यह विवेक मिला है क्या करना है क्या नहीं करना है, सार क्या असार क्या, नित्य क्या अनित्य क्या, मिथ्या क्या सत्य क्या, श्रीमत क्या मनमत क्या परमत क्या, कितनी बड़ी लॉटरी है। संसार को पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें भगवान आकर कह रहा है मैं कहता हूं ये करो। विजडम, लॉटरी ऑफ विजडम हमें मिली है, उस विवेक को मार नहीं देना है, उसका खून नहीं करना है थोड़ा भी। बाहर से श्वेत वस्त्र, अंदर से लाल रक्त रंजित खून, कर करके आत्मघात, बार बार पाप करना, विकर्म करना अर्थात आत्मघात, अर्थात
रक्त के दाग से रंजित वस्त्र पहनना, पांच प्रकार के ड्रेस, 19 फरवरी 1980 अव्यक्त मुरली, पढ़ लेना जाके। अलौकिक ड्रेस और अलौकिक श्रृंगार, पांच प्रकार के ड्रेस तुम्हें नहीं पहनने हैं। उसमें यह पांचवा प्रकार था, खून से लथपथ ड्रेस। WX से शायद ये शब्द आपको पता ना हो, अंग्रेजी का शब्द है ज़ेनियम, ZENIUM, अर्थात गिफ्ट, अर्थात उपहार। भगवान ने जो उपहार दिए हैं ढेर सारे, ये लॉटरी है। जो भाग्य बताए वैसे उपहार भी है, उपहार दिए है भेंट के रूप में उसने अभी संगम पर, वो कौन से, उसका चिंतन करना, YZ। और लास्ट है ZX Y अर्थात योग, राजयोग सबसे बड़ी लॉटरी है। जब भी बाबा की याद आए योग करने बैठ जाना, अच्छा वाक्य है ना, जब भी बाबा की याद आए क्या करना, योग करने बैठ जाना, सिंपल है। राजयोग बहुत बड़ी लॉटरी है, विकर्म विनाश, अतीन्द्रिय सुख, ढेर सारे फायदे। विधि सीखनी है और या सीखी है उसको रिफाइंड करना है, कैसे वो याद मजबूत हो जाए, पक्की हो जाए, पल पल रहे, निष्दिन रहे। वाय के बाद जेड। जो VIP लोग होते हैं ना, चार प्रकार की सिक्योरिटी होती है, X सिक्योरिटी, Y सिक्योरिटी, Z सिक्योरिटी, Z प्लस सिक्योरिटी। Z प्लस में 55 लोग होते हैं बॉडीगार्ड, Z प्लस में 22 बॉडीगार्ड, Y में 4-5 होते होंगे और X में 2। Z प्लस इज द हाईएस्ट सिक्योरिटी। हमें इस संगम युग पर बाबा से हाईएस्ट Z प्लस सिक्योरिटी मिली है। तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा यदि मेरी याद में रहोगे तो। कल की साकार मुरली, धरती हिलेगी, तूफान आएंगे, परंतु जहां तुम्हारा पाव होगा, जहां तुम्हारा स्थान होगा, नुकसान नहीं होगा। उधर आंधी, उधर काटा, उधर सूली, इधर काटा, प्रकृति हार पहनाएगी सहयोग का। मैं प्रकृति जीत आत्मा हूं। जीसस ने अपने शिष्यों से कहा है, जाओ मेरा संदेश सबको दो। वो कहते हम कैसे जाए, लोग हमको मारेंगे, पहले ही तुम्हारे विरोधी है, चिढ़ते हैं तुमसे, तुम्हारे संदेश से। वो कहता है जाओ, कुछ नहीं होगा, यूअर वेरी हेयर इज नंबर्ड, तुम्हारे सिर पर जो एक एक बाल है गिना हुआ है, कुछ नहीं होगा, जाओ। भगवान ने हमें सुरक्षा कवच दिया है, ये सबसे बड़ी लॉटरी है। तो ऐसी ये 26 हो गई, ए से लेकर तो जेड तक लॉटरी की फैक्ट्री संगम युग पर खुली है। हमें उस लॉटरी के पास जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो उसी व्यक्ति की तरह रोना पड़ेगा, वही ठंड और फिर वही प्रार्थना, और वो भोग भी इतने सस्ते नहीं, दुख देने वाले। तो ऐसे स्वयं को मालामाल बनाने वाले, ऐसी स्वयं को लॉटरी से भरने वाले, हमें बाबा के योग युक्त हाईएस्ट एंड रिचेस्ट आत्मा बनना है। ओम शांति। ओम शांति। सभी डॉक्टर सचिन भाई का एक हाथ की ताली से धन्यवाद करेंगे, और बहुत अच्छी तरह से हमें स्पिरिचुअल वे में लॉटरी की फैक्ट्री तो दे ही दी, लेकिन जो बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं A to Z, तो उसकी भी इतनी गहराई से विशेषता बताते हुए सभी को भरपूर किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।